प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों कोरोना वायरस महामारी नाल लड़न लई 20 लाख करोड़ दे आर्थिक पैकेज दा ऐलान किया गया सी। ए पैकेज जिन्हां लोकां लई ऐलानिया गया सी उन्हां तक किन्ना कु पहुंचा होया है अजे भी एक वड्डा सवाल बनया होया है। गल जेकर पंजाब दी करिए तां मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी नूं पत्र लिख के लोकां दीआं जिंदगियां अते उन्हां दी रोजी रोटी दा वास्ता पाया है। इस तों लगदा है कि मोदी दे 20 लाख करोड़ी आर्थिक पैकेज दा पंजाबियां नूं कोई फायदा नहीं होया। कैप्टन ने आर्थिक नुकसान की भरपाई लई पीएम मोदी तों गैर वित्तीय असामियां समेत करीब 80,000 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद मंगी है, जिस विच केंद्रीय स्कीमा विच 100% फंड मुहैया करवाना, एक मुश्त खेती कर्जा मुआफी ते लंबे समय दे सीसीएल कर्जे मुआफ करना शामिल है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पत्र विच उन्हां अपील कीती है कि किसानी नाल जुड़े तिन्ने नवे ऑर्डिनेंसां दी भी समीक्षा कीती जावे। कैप्टन ने लॉकडाउन वाले समय लई विद्यार्थियों वास्ते 1,000 रुपए महीना वजीफा भी मंगिया है। केंद्र तों अंतरराज्जी प्रवासी मजदूर एक्ट विच सोध अते किरत कानूनां विच सोध करन दी मंग भी कीती गई है। उन्हां कहा कि सूबा नवीं चुनौतियां दा इकल्ला सामना नहीं कर सकदा। पंजाब लई 26,400 करोड़ रुपए दे सिद्धे अते लंबी म्याद दे सीसीएल कर्जे मुआफ करने जरूरी हन। उन्हां मांग कीती कि वित्तीय साल 2020-2021 दौरान सारियां केंद्रीय योजनावां वास्ते भारत सरकार 100% फंड देवे। इसे तरह जनतक सेहत बुनियादी ढांचे विच 6,603 करोड़, पशु पालन अते डेयरी खेतरां लई 1,161 करोड़, पिंडां विच तरल अते ठोस रहिंद खूंद दे प्रबंधन लई 5,068 करोड़, मनरेगा लई 6,714 करोड़, विद्यक लोड़ां नूं पूरा करन लई 3,080 करोड़ रुपए दे ऑनलाइन सिखलाई लई 8 करोड़ रुपए दिते जान। मुख्यमंत्री ने कौमी शहरी रोजगार गारंटी एक्ट लई सालाना 3200 करोड़ रुपए अते स्मार्ट सिटी PMAY आदि स्कीमा अधीन कुछ रियायतां दे नाल 6,670 करोड़ रुपए दी वाधू पूंजी लागत दे नाल मालिया घाटे दे पक्ष तों 1,137 करोड़ दी ग्रांट दी मंग भी कीती है। नवयानयोग ऊर्जा दे खेतर नूं हुलारा देण लई 575 करोड़ अते सरहदी खेतर दी कंडियाली तार पारली जमीन ग्रहण करन लई ढुकवे मुआवजे दे नाल 2,571 करोड़ रुपए दी वित्तीय सहायता दी भी मांग कीती है। कैप्टन ने कहा है कि सूबे नूं खेतीबाड़ी बुनियादी ढांचे दी अपग्रेडेशन, एक मुश्त खेती कर्जा मुआफी, आमदनी सहायता, ब्याज लई सरकारी इमदाद आदि मुहैया करवाउण लई 15,975 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि कामिया दे हितां अते मुढ़ले अधिकारां दी राखी लई अंतरराज्जी प्रवासी मजदूर एक्ट नूं मुड़ बनाया जाना चाहिदा है। केंद्र सरकार सहकारी संघवाद दी भावना दा ख्याल रखदे होए अपने फैसले नूं मुड़ विचारे तां जो केंद्र अते राज सांझे हितां लई इकट्ठे हो के काम कर सकन। उन्हां कहा कि घट्टो घट समर्थन मुल ते खरीद दी गारंटी ने देश नूं अनाज दे खेतर विच आत्म निर्भर बनाया है, जिस विच पंजाब दा वड्डा योगदान है। किसानां दी बदौलत ही महामारी दे इस संकट दौरान भी अन्न दा संकट अते भुखमरी नहीं चलनी पई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब विच खेतीबाड़ी उत्पादन मंडीकरण सिस्टम लंबे समय तो परख्या होया है अते इस वेले खुली मंडी दे उत्पादन दे भंडारण दोहां दा ही पंजाब विच पूरा बुनियादी ढांचा तैयार है। उन्हां कहा कि केंद्रीय ऑर्डिनेंसां ने किसानी विच तौखले खड़े कर दिते हन कि केंद्र सरकार जनसां दी गारंटीशुदा खरीद तों हथ खिंच रही है। सो एक बार फिर तो तुहानू दस दईए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों कोरोना वायरस महामारी नाल लड़न लई 20 लाख करोड़ दे आर्थिक पैकेज दा ऐलान कीता गया सी। ए पैकेज जिन्हां लोकां लई ऐलाना गया सी उन्हां तक किन्ना कु पहुंचा होया अजे भी एक वड्डा सवाल बनया होया है। गल जेकर पंजाब दी करिए तां मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी नूं पत्र लिख के लोकां दीआं जिंदगियां अते उन्हां दी रोजी रोटी दा वास्ता पाया है। इस तों लगदा है कि मोदी दे 20 लाख करोड़ी आर्थिक पैकेज दा पंजाबियां नूं कोई फायदा नहीं होया। पंजाब अते पंजाबियत नाल जुड़िया हर मुद्दा, हर खबर निरपक्ष तरीके नाल तुहाडे तक पहुंचण दी कोशिश विच तुसी भी देवो साडा साथ। तां हुणे लाइक करो साडा फेसबुक पेज, सबसक्राइब करो यूट्यूब ते अते फॉलो करो इंस्टा अते ट्विटर ते निरपक्ष पोस्ट, खबर दी निरपक्ष आवाज़। विजिट करो www.nirpakhpost.com।